नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल कंपटीशन एंड यू में। और आज से मैं आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट कराने जाऊंगा। क्या? मैथ का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है हमारे रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। किसके? रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। रेलवे में आपको पता ही है कि मैथ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और उसके साथ साथ ये हिंट करेगा लेखपाल और दिल्ली पुलिस की मैथ को भी, लेखपाल और दिल्ली पुलिस की मैथ को भी। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, नोटिफिकेशन वगैरह भी आया है, इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और लेखपाल का भी फॉर्म आने ही वाला है। सबको पता होगा यूपी गवर्नमेंट ने जो है इसका ऐलान कर दिया है। और रेलवे के बारे में तो पता ही है, दिसंबर से इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। ये क्या है हमारा चार्ट? गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गईं। सवाल क्या किया गया है कि गुरुवार से रविवार कितनी साइकिलें बेची गईं। सबसे पहले हमें देखना है कि गुरुवार से रविवार के बीच कितनी साइकिलें बेची गईं। गुरुवार हमारा यानी कि बृहस्पतिवार, और यहाँ से लेकर रविवार यानी कि एक दो तीन चार दिन में कितनी साइकिलें बेची गई, देख लेते हैं कितनी साइकिलें बेची गई। सबसे पहले देख लेते हैं बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार में कितनी साइकिलें बेची गई हैं। साइकिल बेची गई हैं 12। और शुक्रवार में कितनी साइकिल बेची गई हैं 10। शनिवार में कितनी साइकिल बेची गई 8। और 6 के बीच में कितनी संख्या होगी, कितनी होगी 7। कितनी बेची गई है शनिवार के दिन 7, और रविवार के दिन 12 और 10 के बीच में क्या आएगा 11। तो कितनी साइकिलें बेची गई होंगी 11। अब हम सब इनको ऐड कर लेंगे, टोटल कितना रहेगा 22 और 7 29 29 और 11 40। टोटल कितनी साइकिलें बेची गई बृहस्पतिवार से रविवार में कितनी साइकिल बेची गई 40। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल क्या होगा? 16 के वर्गमूल तथा 4 का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले देख लेते हैं 16 का वर्गमूल क्या होगा, कितना आएगा 4, और 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16। क्या करना है इनका? मल्टीप्लीकेशन, बस गुणनफल ही तो देखना है। 16 चौक 64, कितना आया 64 है आंसर में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ से है, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं। मैं कुछ समीकरण लिखवा देता हूं जो कि पता होगी। क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोस स्क्वायर की वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी, और थीटा हमारा बिल्कुल सेम होगा। अब वो चाहे वो कुछ भी हो, ए हो, बी हो, 30 हो 20 हो 40 हो 50 हो, थीटा बाई 2 हो, थीटा बाई 4 हो, थीटा बाई 16 हो, कितने भी वैल्यू हो, उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। यदि हमें यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी हो, कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और थीटा की जगह थीटा ही रहने वाला है, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, और थीटा की जगह वैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 30 हो 20 हो, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी थीटा है, वैसे ए भी होता है, बी भी होता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा,
तो इस बार साइन को यही रहने देंगे, कोस को इधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड है इसको डिवाइड में ले आएंगे, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस वो सॉरी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर बचने वाला है हमारा सिर्फ कोट थीटा, क्या बचेगा सिर्फ कोट थीटा, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है, कोट ए इक्वल्स टू 12/5, कोट ए बराबर 12/5, साइन ए प्लस के कोस ए इंटू कोसेक ए, इसका मान हमें निकालना है, किसकी मदद से, इसकी मदद से। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, या तो आप एक काम कर लीजिएगा कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, साइन का मान निकालेंगे, कोस का मान निकालेंगे या कोसेक का मान निकालेंगे और इसमें रख देंगे, या फिर एक काम करेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देख लेते हैं क्या आता है। साइन ए प्लस के कोस ए, क्वेश्चन हमारा कुछ ये है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, साइन ए इंटू हो जाएगा कोसेक ए प्लस के, इसके साथ भी आएगा ये कोस ए इंटू कोसेक ए, साइन ए ऐसे ही रहेगा, कोसेक ए को लिख लेंगे हम क्या, वन अपॉन साइन ए, क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा होता है ये कोसेक, साइन ए प्लस के कोस को ऐसे ही रहने देंगे और इसको लिख लेंगे वन अपॉन साइन ए, इसको लिख लेंगे वन अपॉन साइन ए, साइन से साइन कट जाएगा, कुछ लोग इसको यहाँ पर भी काट देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका विपरीत है, दो संख्याएं अगर आपस में विपरीत हैं और इनकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होता है, वो आपस में कट जाती है, जैसे ये है संख्या दो और इसका विपरीत क्या होगा, वन अपॉन दो, ठीक है, तीन है और इसका विपरीत क्या होगा, वन अपॉन तीन, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, क्लियर, तो ये ऐसे भी काट सकते थे यहाँ पर भी, लेकिन पर मैंने काट के आपको समझा दिया, यहाँ पर क्या बचा है वन और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, वन प्लस के ये हो जाएगा कोट ए, कोट ए की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस के, कोट ए की वैल्यू हमें दे रखी है, कोट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 12/5 जो हमें सवाल में दे रखी है, इसको हम कर लेते हैं, इसके नीचे वन मानेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कुछ हो जाएगा पाँच और पाँच एकम पाँच प्लस के 12 और 12 प्लस के 5 17/5, हमें देखना है क्या ये ऑप्शन में है, होना तो चाहिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल था ये भी, अगला क्वेश्चन, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है, कितने में बेचता है, 4200 रुपये में बेचता है। देख लेते हैं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में, उसका जो सीपी होता है, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है, 100% होता है। अब उसको जितने में बेचा जाएगा, या तो प्रॉफिट में बेचा जाएगा या फिर लॉस में बेचा जाएगा, वो उसमें से जुड़ता और घटता रहता है। मान लीजिए 100% उसका वो था सीपी, तो उसको कितने पर, 25% की हानि पर बेचा गया, कितने पर, 25% की हानि पर बेचा गया, तो इसका मतलब वो 75% पर बेचा गया होगा, 75% पर बेचा कितने में गया है, 75% पर बेचा गया है हमारा 4200 रुपये में, कितने में, 4200 रुपये में। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो गई 1% की वैल्यू। अब हमें बेचना कितने में है, कितने में बेचना है हमें, देख लेते हैं आगे सवाल पढ़ लेते हैं, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचना है, कितने में,
25% लाभ कमाने के लिए। अब ये बताइए 100% है, इसे 25% लाभ कमाना है, इसका मतलब प्लस में 25% तो कितना हो जाएगा 125%। अब हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 125% की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 125 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, 125 की वैल्यू निकाल लेंगे, 4275 125, 25 से भाग कर देंगे, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 से काट देंगे, 14 तिया 42, 14 पंजे 70 और 2 जीरो, ऐसे ही आ जाएगा। तो उसका रेट क्या है हमारा 7000, कितना है 7000, किसकी वैल्यू है ये हमारे 125% की वैल्यू, 25% के लाभ पर ही तो बेची होगी, कितने में होगी 7000 में बिकी होगी। इस सवाल को हम ऐसा भी कर सकते थे बहुत सिंपली, क्या कितने की है 4200 रुपये, 4200 रुपये में है, कितने में बेची है, कितनी हानि में बेची है, जितने में पहले बेची है उसको नीचे रखते हैं, जितने में बेचना चाहते हो उसको ऊपर रख लेंगे, कितने में बेचना चाहते हो 25% के लाभ में, यानी कि 125% पर। हानि कितनी थी, पहले कितने में बेची थी 25% के हानि पर, यानी कि 75% पर। सीधा सीधा इसको यहाँ पर भी कर सकते थे, ये पर्पस था कि समझाने का पर्पस था कि समझ में आ जाए। अगर इस चीज़ को पहले समझा देता तो क्या होता कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसा ऐसे हुआ था, क्लियर। 25 से काट देंगे, 5/3, 3 से काटेंगे, फिर से वही आने वाला है 7000 कट कटा कर, क्लियर। बहुत सिंपल है, एक लाइन में भी हो सकता है। सेकेंडों के सवाल हैं, सेकेंड्स में ही होना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस पोर्शन से है, दो स्थान देख लेते हैं। दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है, दो स्थान है, एक स्थान दो स्थान, ए बी बीच की दूरी कितनी है, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 300 किलोमीटर, कितना है 300 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ चलते हैं, यानी कि यहाँ से और यहाँ से दो स्कूटर यात्री हैं, एक इधर से चल रहा है एक इधर से चल रहा है, एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि ये यात्री इधर चल रहा होगा ये यात्री इधर की ओर चल रहा होगा, तभी तो एक दूसरे की तरफ हो गया, वरना ऐसे चाहते हैं। 2.5 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद, 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहती है, 25 किलोमीटर रह जाती है। 2.5 घंटे के बाद मान लो उसने चलना शुरू किया, 2.5 घंटे चल लिया, ये भी 2.5 घंटे चला है, चले दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है, तो समय टोटल कितना रहेगा 2.5 घंटे। अब इनके बीच की दूरी कितनी रह गई, ये जो दूरी है वो 25 किलोमीटर रह गई, कितनी रह गई 25 किलोमीटर। ट्रैवल कितना कर लिया है इन दोनों ने ट्रैवल कितना कर लिया है देख लेते हैं। टोटल जो ट्रैवल किया होगा 275 इन्होंने ट्रैवल कर लिया होगा। टाइम कितना लगा है, क्या टाइम कितना लगा है, टाइम देख लेते हैं। टाइम लगा है इनका 2.5 घंटे, कितना लगा है 2.5 घंटे, ये किलोमीटर ये घंटा। क्लियर, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि इतने किलोमीटर इतने घंटे में किस स्पीड से चले होंगे वो देख लेते हैं। 25 से काट देंगे और ये कट जाएगा डायरेक्ट, कितनी बार 11 बार, कितनी बार कट जाएगा ये 11 बार, और 11 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। अब 110 है ये दोनों की स्पीड है, ये इसकी और इसकी दोनों की स्पीड मिल गई है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, यानी कि ए और बी की, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू है 110। अब हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में देखना है कि दोनों की जो स्पीड थी इनका योग किसका 110 बैठ रहा है, क्या इनका 110 बैठ रहा है, नहीं इनका 110 बैठ रहा है, क्या नहीं, क्या इनका 110 बैठ रहा है, नहीं 90 बैठ रहा है, इसका कितना बैठ रहा है 70 और इसका कितना बैठ रहा है 130, इसका कितना बैठ रहा है, इसका कितना बैठ रहा है, इसका बैठ रहा है 110, यानी कि और इसके बाद क्या है, यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा
अधिक हो, यानी कि दोनों की चालों में कितने का फर्क होगा, 10 किलोमीटर पर आवर का। देखो 10 किलोमीटर का फर्क तो दोनों में है, तीनों में है और बल्कि चारों में है, लेकिन पर योग कितने का कितना होना चाहिए, अंतर तो हमें पता है, यानी कि a माइनस बी तो हमें पता है कितना होना चाहिए 10, a प्लस बी हमने निकाल लिया है, तो आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 2a बराबर कितना हो जाएगा 120, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी कि एक स्कूटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर, और दूसरा कितना रह जाएगा वो उससे 10 कम है तो वो कितना रह जाएगा 50, ये ऑप्शन में है। क्लियर, देख लेते हैं, शॉर्ट में ही था ये, बस थोड़ा सा समझाने में। और जो इसका मेथड है वो थोड़ा सा टफ है, ये समझ लो ट्रिक थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संतरे खरीदे, 144 संतरे खरीदे कितने रुपए में, 360 रुपए में, 10% के लाभ से बेच दिए, अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। देख लेते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संतरे कितने हैं, 144 संतरे खरीदे हैं उसने कितने रुपए में, 360 रुपए में, कितने रुपए में, 360 रुपए में। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक संतरे की कीमत निकाल लेते हैं, कितने की, एक संतरे की, ये रही हमारी एक संतरे की कीमत, ये कितने की रही, एक संतरे की कीमत। अब हमें निकालने हैं प्रति दर्जन, क्यों, क्योंकि बात प्रति दर्जन में ही आ रही है, प्रति दर्जन, एक दर्जन की कीमत 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 से इसको काटेंगे 12 36, तो जो एक दर्जन की कीमत है वो 30 रुपये है, क्या है, एक दर्जन संतरों की कीमत कितनी है 30 रुपये है। अब 10% का लाभ, 10% का लाभ कमाने के बाद कितना हो जाएगा वो 110% हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, और 11 33, 10% लाभ कमाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 33%, और 33 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ए की लंबाई बी की लंबाई से 5/8 है, 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात, ए की लंबाई का अनुपात हमें देखना है, क्या, ए की लंबाई का अनुपात, यानी कि अनुपात वाली संख्या कहाँ रहने वाली है, नीचे, इसका मतलब ए नीचे रहने वाला है तो इसका मतलब बी ऊपर होगा, दे क्या रखा है, बी दे रखा है हमें ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है 5:8 हमें दे रखा है, या फिर ये समझ लो कि ए की जो लंबाई है वो बी की 5/8 है, इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या है वो पहले पे होगी और जो नीचे वाली संख्या है वो दूसरे पे होगी। बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना है 5:8, तो हमें निकालना क्या है बी अनुपात ए, हमें पता है ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, तो रख देते हैं इधर, बी की वैल्यू कितनी है 8 और इसकी वैल्यू कितनी है ए की 5, तो कितना हो जाएगा ये बी अनुपात ए, इसे अनुपात में बदल लेंगे 8:5, कितना हो जाएगा 8:5, ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। देख लेते हैं, सबसे पहले देख लें क्रमानुपात संख्या कौन सी होती है, जो क्रमागत संख्या होती है वो क्या होती हैं, क्रमागत संख्या वो होती हैं जो संख्याएं लगातार आती हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 102, 103, 104, ये कैसी संख्या है, सारी क्रमागत संख्या है, कैसी संख्या है, क्रमागत है, ये तो संख्या वैल्यू दे रखी है, कभी कभी नहीं दे रखी होती तो मानते क्या है,
एक्स एक्स प्लस के वन एक्स प्लस के टू एक्स प्लस के थ्री इस टाइप से मानते हैं। अब हमें दो संख्याएं दे रखी हैं तो शुरू की दो संख्याएं उठा लेंगे। माना पहली क्रमागत संख्या क्या है x, कैसी है ये पहली, और दूसरी संख्या कौन सी होगी x प्लस के वन, क्यों उससे अगली संख्या होने वाली है, एक जोड़ देते हैं तो अगली संख्या मिल जाती है। ठीक है देख लेते हैं, पहले अंक का तीन गुना, पहले अंक का तीन गुना, पहला अंक ये रहा और इसका तीन गुना, दूसरे अंक के दो गुने से, दूसरा अंक क्या है दूसरे अंक का दो गुना हो गया, दूसरे अंक का दो गुने से पाँच अधिक है, पाँच अधिक है इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो पाँच होगा, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो पाँच होगा, एक संख्या ये रही दूसरी संख्या ये रही और इसका अंतर वो कितना दे रखा है पाँच, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 3x 2x माइनस का 2 5 कितना हो जाएगा x, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा 5 और 2 7 5 और 2 7 क्लियर, ऑप्शन में है क्या 7, हाँ ऑप्शन में x का मान है 7, तो x का मान है 7 और 7 में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन में क्या है हाँ ऑप्शन में है 7 और 8। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना ने बैंक से 275,000 रुपये का कार का लोन लिया, 275,000 रुपये में कार लोन लिया, उसने 8% के वार्षिक दर से, वार्षिक दर क्या है 8% के वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया, ब्याज का भुगतान किस रेट से किया, आर की वैल्यू कितनी है 8% भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया, 3 वर्ष में ही पूरा भुगतान कर दिया, भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए, कितने बैंक को कितने पैसे अदा किए 3,35,000 और प्लस में जो पैसे कम पड़ गए होंगे उसके बदले क्या किया एक स्कूटर दे दिया, और वो स्कूटर दे दिया। हमें ये बताना है कि जो बैंक ने इस स्कूटर का मूल्य निर्धारित किया होगा वो मूल्य क्या होगा, देख लेते हैं रेट कितना है 8%। एक बार बताइए यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसने जो मूलधन लिया है वो मूलधन चुकाएंगे और मूलधन के बाद जो उसका ब्याज होगा वो चुकाएंगे। सबसे पहले तो जो मीना है, मीना ने क्या काम किया होगा 275,000 रुपये बैंक को वापस दिए होंगे, कौन से जो मूलधन होगा, ठीक है अब इसी पर ब्याज लगने वाला है, इसी पर ब्याज लगने वाला है, कितना 275,000 पर ही ब्याज लगेगा, ब्याज कितना होगा 8% के हिसाब से 3 साल का, कितना 8 या 24% कितना 24% उसको ब्याज देना है, 24% उसको ब्याज देना है। अब एक चीज़ देख लेते हैं, अब उसने बैंक को जो मीना है, मीना ने बैंक को इतने रुपए अदा किए होंगे, ये तो मूलधन है जो उसने लिया था वो वापस देगी और ऊपर से ये है ब्याज, ये इतना पैसा वो वापस देना बनेगा, क्लियर देख लेते हैं। चौबीस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 66,000, कितना जाएगा 66,000। अब जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 3,41,000, कितना आएगा 3,41,000, इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा 3,41,000। अब एक बात बताइए 3,41,000 रुपये बनने थे, देने कितने थे 3,41,000, दिए कितने हैं 3,35,000, कितने दिए हैं 3,35,000, 3,35,000 रुपये दिए हैं और प्लस दिया है क्या हमारा स्कूटर, प्लस और क्या दिया है एक स्कूटर दिया है,
तो अब देख लेते हैं कि स्कूटर की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इतने देने थे इतने दिए, घटा के देख लेंगे कितने बचते हैं। ये 0006000, स्कूटर की वैल्यू कितनी आएगी 6000, इतने देने थे उसने दिए इतने हैं, इसका मतलब 6000 के बदले उसने क्या दिया था स्कूटर, और बैंक ने उसका मूल्य क्या निर्धारित किया होगा पुराने स्कूटर का, केवल 6000, ज़्यादा ही पुराना होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अगला, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, 100 अंडे खरीदने में 6 रुपये के हिसाब से कितने रुपए खर्च हुए होंगे, टोटल उसने पैसे कितने खर्च कर दिए होंगे 600 रुपये, उसने 25 अंडे 10% के लाभ पर, एक बात बताइए 25 अंडे 6 रुपये के हिसाब से ही तो उसने खरीदे होंगे, जो उसकी लागत होगी वो कितनी होगी 25 150 के अंडे 10% के लाभ पर, यानी कि 110% पर बेच दिए, 25 अंडे 25% की हानि पर, 25 अंडे 25% की हानि पर, यानी कि 75% पर बेच दिए, और बचे हुए 50 अंडे 20% के लाभ पर, बचे कितने 50 अंडे कितने के लाभ पर 20% के लाभ पर, यानी कि 120 पर बेच दिए, तो ये उसका है टोटल बिक्री किए हुए अंडों का पैसा। निकाल लेते हैं जोरदार के काट पीट के, पच्चीस चौक 100 4 3 4 2 36 36 360 इसको इससे भाग करेंगे कितना जाएगा 112.5, इन दोनों को जोड़ देंगे 5 12 4 सॉरी 3 4 5 क्लियर। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 637.5, कितना हो जाएगा 637.5। अब एक बात बताइए उसने खरीदे कितने में थे 600 रुपये में, बेचे कितने हैं 637.5 में, उससे लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है उसको 37.5 रुपये का, कितने का 37.5 रुपये का। तो एक चीज देख लेते हैं, परसेंट निकालना है, कितने पर हुआ है उसे लाभ, इतने रुपए का ही तो लाभ हुआ है, कितने पर 600 रुपये पर, इसको निकाल लेते हैं 6 से भाग करेंगे 6 6 36 बचे कितना 1 15 हो जाएगा 6 2 12 6.2 के बाद देख लेते हैं, पहली बात तो ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाले आंसर देखो कितने है? एक है ये और एक है ये तो लॉस में है, ये तो होंगे नहीं हमारे आंसर, क्या हमारा आंसर 8 में आया है, नहीं 8.2 आया है, इसका मतलब 8.25 हमारा यही आंसर होने वाला होगा, क्लियर। आगे भाग करके देखेंगे 25 भी आ जाएगा आगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, धन्यवाद, जय हिंद।